लास्ट टाइम हम लोग राजधान टॉप पे 11,769 फीट था और ये 11,649 फीट। तो लास्ट टाइम हम लोग राजधान टॉप पे फ्यूलिंग कर रहे थे जेरी कैन से, वहाँ पे अचानक क्या, पहले हम लोग पेट्रोल नहीं लिए थे और फिर दिक्कत हो गई। और अभी यहाँ पे दो जिला पास में हम लोग फ्यूलिंग करा रहे हैं भाई साहब। 11,649 फीट पे जेरी कैन से पेट्रोल डालना है इस बार। और यहाँ से नज़ारे देख लो भाई, क्या नज़ारे हैं, प्यारे प्यारे नज़ारे। वाह 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 वाह, तेल डल गया भाई, तेल डल गया भाई, अब आगे का सफर भारी हो, अब अपने बॉडी में तेल डालना है। छाछ है छाछ भाई, हो आप पर पीठ सत्ता पावर छाछ डाल ले, जल लामू खड़ा होता है। गुरुजी खुश हुए, गुरुजी मुगाम को खुश हुआ, भाई साहब स्वर्ग के लिए मरने की जरूरत नहीं है, जिमनी उठाइए और इधर आ जाइए। तो जोजिला पास जब खुले उस समय आओ तो बर्फ की बड़ी बड़ी दीवारें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे अभी सामने देख लो बर्फ की दीवार। और इस मेमोरेबल व्यू को कैप्चर करने के लिए देखो कितना सिस्टम में बनाया हुआ, ये GoPro, ये Insta360 और ये जो खुद रिकॉर्ड कर रहा है वो अलग से है। तो कितना बेहतरीन नज़ारा है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन जो आप खुद देख रहे हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं आपको, कि जो आप अपनी आंखों से जो देख रहे हैं वो कोई भी कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता, कोई भी कैमरा नहीं कैप्चर। आंखों से मुझे लगता है कई बार कैमरा ज्यादा अच्छा कैप्चर करता है जितना आप कैप्चर कर पाते नहीं, मैं उल्टा सोचता हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ फोटोज आर सो ब्यूटीफुल। अगर देखिए कैमरा फील नहीं कर सकता ना उस जगह, फील नहीं करेगा लेकिन कैप्चर अच्छा कर लेगा आपसे भी। कान के अंदर पूरी सीटियां बज रही थी बाहर फोटो खींचने के चक्कर में, मेरे दोनों कान में सीटी बज रही थी। ये भाई लंबा पास है काफी, सब मोमेंट को कैसे कोई मिस करते हैं यार, कैसे कोई मिस करते हैं, देखो क्या नजारे हैं, कई किलोमीटर तक है ये, देखिए या भाई वीडियो लेकर जैसे ही बंद कर रहे हैं उससे खूबसूरत नज़ारा आ जा रहा है, फिर उसको वीडियो बनाओ जैसे बंद कर रहे हैं दूसरा खूबसूरत नज़ारा है, तो समझ लो ऐसे ही चल रहा है, वीडियो बनाओ फोटो खींचो बस ऐसे ही चल रहा है भाई। को मिलेगा वो 5% होगा, ऑन करें कहां कैमरा ऑफ करें समझ में नहीं आ रहा। आप जो वीडियो में देखोगे ना वो इस ब्यूटी का 1% समझ लो देखोगे भाई, आओ फील करो तब तुम्हें 100% मिलेगा। माइटी जोजिला पास जैसे ही आप क्रॉस करोगे, पहले तो भाई मज़ा आ जाएगा आपको, जो ऊंची ऊंची बर्फ़ की दीवार दोनों तरफ दिखती है वो तो आपका दिल जो है वो जीत लेगी। खैर उस पास को जैसे ही क्रॉस करोगे तो पहले तो आपको काफ़ी सन्नाटा मिलेगा, बैड रूट मिलेंगे, लेकिन जो सबसे पहला चेक पॉइंट मिलेगा लद्दाख एंट्री करने से पहले वो है मीना मार्ग चेक पॉइंट। यहाँ पर आपको अपना डिटेल देना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना है, किस बाइक से जा रहे हैं वो डिटेल देना है, और सबसे खास बात कि कितने बंदे हैं उसमें वो डिटेल देना है, ताकि लद्दाख में एंट्री करने के बाद जो पुलिस है उसके पास आपका पूरा का पूरा डिटेल है, ताकि कुछ भी अगर मिस हैपनिंग होती है तो पुलिस के पास पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रहे। अभी जोजिला क्रॉस करके हम लोग जस्ट द्रास में एंट्री किए हैं, और जैसे ही आप द्रास में एंट्री करोगे आपको फ्यूल स्टेशन मिल जाएगा। काफ़ी देर से हम लोग फ्यूल की तलाश में थे, फ्यूल ख़त्म हो गया था इसकी वजह से। हाँ फर्स्ट लद्दाख का फर्स्ट पेट्रोल पंप ऑफ लद्दाख, और ये है द्रास वैली या बोलो लद्दाख में एंट्री करने पर पहला पेट्रोल पंप।
पिछली बार जब मैं आया था कोविड के टाइम में 2021 में, तो जो पेट्रोल की प्राइस थी यहाँ पे वो कंपेरेटिवली ज़्यादा थी। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो उस समय मुझे याद है कि 95-96 पेट्रोल चला था वहाँ, यहाँ पे 100 से ऊपर था। लेकिन अभी जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है, इंडिया के बाकी पार्ट से जो प्राइस है ठीक वैसी ही प्राइस है। और यहाँ से द्रास वैली आपको दिखने लगती है, और द्रास वैली के नाम एक खास रिकॉर्ड है कि ये वैली जो है यहाँ पर अभी तक का वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट इनहिबिटेड प्लेस का दर्जा इसको प्राप्त है। मतलब कि वो सबसे ठंडी जगह जहाँ आदमी रह सकते हैं उसका दर्जा इसको प्राप्त है। 1995 में आई थिंक -60 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था और लोग रहते थे यहाँ पे, तो सोच लो कितनी ठंडी होती है। तो थोड़ा सा अट्रैक्शन और भी बढ़ जाता है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए द्रास में, हम लोग क्रॉस किए जोजिला पास। जोजिला पास के बाद जो सबसे बड़ा टाउन आया वो है द्रास, और द्रास के नाम पे एक खास रिकॉर्ड है। ये है वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जहां पर इंसान रहते हैं, -68 तक टेम्परेचर गया है। देखिए यहां पे इसका बोर्ड भी लगा है, वेलकम यू टू द्रास द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहिबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब सेकेंड सबसे ज़्यादा ठंडी जगह। और अगर आप आ रहे हैं श्रीनगर की तरफ तो अगर नाश्ता पानी आपको करना है तो यहाँ बहुत आराम से आपको बेसिक सभी खाने पीने के सामान मिल जाएंगे, और यहाँ से रेस्ट करके आप आगे चल सकते हैं। और यहाँ पे एडवेंचर से रिलेटेड काफ़ी सारे शॉप आपको मिल जाएंगे, खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी आपको, और कुछ अगर बेसिक नीड की आपकी चीज़ें हैं तो वो भी मिल जाएगा। जहाँ ये बोर्ड लगा है ना ठीक उसके अपोजिट साइड में लद्दाख टूरिज्म कॉम्प्लेक्स द्रास कारगिल का ऑफिस आपको मिल जाएगा। यहाँ से कारगिल जो है लगभग 1 घंटे का सफ़र है, और बीच में पड़ेगा अपने को कारगिल वार मेमोरियल। क्या क्या मिलेगा यहाँ? मिलेगा जी आपको खाने में मिलेगा चिकन चावल, मीट चावल, राजमा चावल, चपाती, सब्जी, मिक्स वेज है, मीट बकरे का, बकरे ये यहीं का लोकल है जी। क्या बोलते हैं उसको? ये टेलीवर बोलते हैं, बकरखानी बोलते हैं सर। बकरखानी दिले ना कर से हमें बातों में क्या रे लाला, बातों में क्या रे लाला फिरे जा। हम लोग को लेकिन ये तो गाना समझ में नहीं आएगा ना। हाँ जो यहाँ का आदमी लोगों को तो आएगा ना सर। हाँ यहाँ के लोगों को यहाँ समझ में आएगा। यूँ ही नहीं द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है, क्योंकि जैसे द्रास में आप एंट्री करेंगे आपको पूरी की पूरी लद्दाख की वाइब आ जाएगी। देखो ये गाड़ी है एक पिकअप, इसके पीछे 2 हिमालयन रखी गई है, और आगे वाली जो पिकअप है उसके पीछे 1, 2, 3, 4 मतलब 3 हिमालयन और नहीं चारों स्क्रैम 411 है, और पीछे वाली हिमालयन 411 है। तो यहाँ से एंट्री करते ही आपको, और ये देखो सेम पिकअप है, साइज़ दोनों की सेम है। आगे वाले में 4 बाइक आ गई है और पीछे वाले में 2 बाइक रखी गई है। इसका मतलब कि आप चाहें अगर 2-3 बंदे हैं और पिकअप ट्रक है, मिनी ट्रक है आपके पास, जैसे हाइलक्स है, इसुजू है, या ऐसा कुछ आपको लग्जरी मिनी ट्रक है आपके पास, तो आप 2 बाइक तो बहुत आसानी से पीछे रख सकते हैं अपने लगेज के साथ और जा सकते हैं, और जहां आपको मन करे गाड़ी अपनी पार करो और बाइक से एक्सप्लोर करो। और ख़ास बात है कि आपने कारगिल वार जो है 1999 में जो हुआ था, 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसका ये सेंटर पॉइंट था। कारगिल वॉर मेमोरियल जो है आगे जाके द्रास वैली जैसे क्रॉस करेंगे वैसे कारगिल वॉर मेमोरियल आ जाता है। लेकिन कारगिल भले फेमस है लेकिन जो युद्ध लड़ी गई थी वो द्रास में लड़ी गई थी, तो फिर कारगिल नाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो द्रास शहर आता है, और द्रास के पास ही है तोलोलिंग की पहाड़ी, टाइगर हिल और जो सारी पहाड़ियाँ थी जिसपे पाकिस्तान के रेंजर्स ने कब्जा किया था, और फिर इंडियन बहादुर सोल्जर ने मतलब वेदर के अगेंस्ट, मौसम के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, अल्टीट्यूड के अगेंस्ट, विषम परिस्थितियों में जाकर लड़ाई लड़ी और अपने जो पहाड़ी है उसको कैप्चर किया, और पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उनको मार भगाया, और 1999 में कारगिल वॉर में जीत हासिल की। दोस्तों अभी हम लोग हैं कारगिल में, कारगिल नीचे पूरा का पूरा आपको शहर दिखाई देगा। कारगिल शहर बहुत बड़ा है, और जैसे ही कारगिल शहर का नाम लिया जाता है
आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा कारगिल वॉर 1999 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था उसकी याद आती होगी। एक्चुअली कारगिल एक बहुत बड़ा शहर है और जो मेन वॉर हुई थी वो कारगिल में नहीं हुई थी, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ही द्रास पड़ता है जो यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर पीछे है, मतलब सोनमर्ग साइड से आएंगे तो द्रास पहले पड़ेगा, वहाँ हुई थी। वहीं आपको टाइगर हिल पीक और बाकी पीक जहाँ इंडिया ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी बोले या मिलिट्री के लोग बोले उनको भगाया था वो सब पीक वहाँ से दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि ये पूरा का पूरा कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है इसकी वजह से कारगिल वॉर के नाम से ये फेमस है, लेकिन जो मेन जगह है वो कारगिल नहीं है, वो द्रास है। और ये जो आप व्यू देख रहे हो सिटी का, क्या खूबसूरत व्यू है, पूरा का पूरा शहर है और बीच में एक नदी जो है बहती हुई जा रही है जिसको द्रास रिवर कहते हैं और काफ़ी पॉपुलेटेड और बड़ी शहर है। एक्चुअली पूरे लद्दाख में जो लेह है वो कैपिटल है लद्दाख की और साथ में ज्वाइंट रूप से कारगिल भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कैपिटल माना जाता है। ये तो आप कारगिल का इम्पॉर्टेंस आप समझ सकते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से कारगिल शहर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।